एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स, और रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 4, और एक्स को भी लिख सकते हैं 1/, रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 5 डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, इंटू में पावर्स ऐड हो जाती है, तो 3 एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 4 एक्स की पावर 1/2 प्लस 5 डीएक्स। अब सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। आई इज इक्वल टू 3 बार इंटीग्रेशन एक्स की पावर, और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 2 × 2 और प्लस 1 3/2 प्लस 4 बार इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 5 बार 1 डी एक्स। आई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। आई इज इक्वल टू, तो यहाँ बनेगा 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 4, और यहाँ बनेगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 5, और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एक्स प्लस सी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू 3 एक्स की पावर, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 2 आ जाएगा 5/2, तो एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 4। ऐसे ही इसको करेंगे तो 1/2 और प्लस का 1, तो हो जाएगा 1 + 2/2 इज इक्वल टू 3/2, तो यहाँ अप्लाई करेंगे एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 5x प्लस का सी। अब ये बनेगा 2 को ऊपर भेज देंगे और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 अपॉन 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस, इसको जब ऊपर भेज देंगे तो बनेगा 8 अपॉन 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 5x प्लस सी। ये हुआ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले इस पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 की पावर x
डी एक्स प्लस फाइव बार इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का वन बाई थ्री डी एक्स। अब यहाँ पे ए की पावर एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, तो आई इज इक्वल टू होता है ए की पावर एक्स, तो टू की पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है, तो यहाँ पे लॉग टू हो जाएगा, प्लस फाइव बार, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है, तो बनेगा x की पावर माइनस वन बाई थ्री प्लस का वन अपॉन माइनस का वन बाई थ्री प्लस का वन प्लस सी। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का वन बाई थ्री प्लस का वन, तो बनेगा माइनस का वन प्लस का थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू आ जाएगा टू बाई थ्री। हो जाएगा I इज इक्वल टू टू की पावर x अपॉन log टू प्लस फाइव log मॉड ऑफ x, और ये बनेगा माइनस का x की पावर टू बाई थ्री और अपॉन टू बाई थ्री प्लस c। I इज इक्वल टू टू की पावर x अपॉन log टू प्लस फाइव log मॉड ऑफ x, और थ्री को ऊपर भेज देंगे तो माइनस का थ्री बाई टू एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस c। ये हुआ हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रूट एक्स को एक्स की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन बाई टू और ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब क्या करेंगे कि x की पावर 1 बाई टू को इसमें और इसमें और इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बनेगा a x की पावर 2, और जब इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी प्लस का 1 बाई टू प्लस b एक्स की पावर वन और ये पावर प्लस का वन बाई टू प्लस सी और एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स और ये बनेगा टू टू जा फोर और एक ऐड करेंगे वन तो फाइव बाई टू प्लस बी एक्स, तो ये बनेगा टू बन जा टू और टू और प्लस वन थ्री बाई टू प्लस सी एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स। अब सब पे अलग अलग मल्टी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। आई इज इक्वल टू ए बाहर इंटीग्रेशन x की पावर 5 अपॉन 2 डी एक्स प्लस बी बाहर इंटीग्रेशन x की पावर 3 बाई 2 डी एक्स प्लस सी बाहर इंटीग्रेशन x की पावर 1 बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3। तो चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू a x की पावर n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5/2, तो 5/2 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे भी होता है n प्लस 1, तो n की वैल्यू हमारी है 5/2 और प्लस 1 प्लस b, ऐसे ही नोट कर लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब, तो x की पावर n की वैल्यू इसमें दी हुई है 3/2, तो 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c बार x की पावर 1/2 प्लस 1 और ऐसे ही 1/2 प्लस 1 नीचे हो जाएगा और प्लस का c ऑलरेडी इसमें दिया हुआ, तो कांस्टेंट यहाँ पे d नोट कर लेंगे क्योंकि c ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो i इज इक्वल टू a की पावर a x की पावर हो जाएगा 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 5 प्लस 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 7/2। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 7/2 और अपॉन में भी 7/2 कर सकते हैं प्लस। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो 3/2 प्लस 1 इसको, तो 3/2 प्लस 1 और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ लिखेंगे b x की पावर 5/2 और अपॉन में 5/2 प्लस c, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1 तो हो जाएगा 1 प्लस 2/2 3/2। तो c x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 प्लस का d। तो ये 2 को अब ऊपर जब भेजेंगे तो i इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 2/7 a x की पावर 7/2 प्लस, अब इसमें भी 2 को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 2/5 और b x की पावर 5/2 प्लस, अब इसको भी 2 को ऊपर भेजेंगे तो 2/3 c x की पावर 3/2 और प्लस d। ये हुआ हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे तो 3 का 2 से 6, फिर इससे कराएंगे तो ये माइनस का आएगा 9x। अब 2x का इससे कराएंगे तो आ जाएगा प्लस का 4x और जब 2x का 3x से कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर 1 - 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6 और ये माइनस का 9x और प्लस का
फोर एक्स, तो ये बचेगा माइनस का फाइव एक्स और माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में वन माइनस टू एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वन से जब कराएंगे तो आ जाएगा सिक्स माइनस का फाइव एक्स और माइनस का सिक्स सिक्स एक्स स्क्वायर। अब माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बनेगा माइनस का ट्वेल्व एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और टू का फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टेन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा ट्वेल्व एक्स क्यू डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिक्स माइनस का फाइव एक्स और माइनस का ट्वेल्व एक्स, तो माइनस का ट्वेल्व और माइनस का फाइव तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के सेवेंटीन। तो माइनस का फाइव एक्स और माइनस का ट्वेल्व एक्स, तो माइनस का सेवेंटीन एक्स हो जाएगा, और माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का टेन एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वेल्व एक्स क्यूब डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिक्स माइनस सेवेंटीन एक्स, और माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर और प्लस का टेन एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा प्लस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वेल्व एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। आप सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू सिक्स बाहर इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस सेवेंटीन बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस फोर बाहर तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ट्वेल्व बाहर इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री डी एक्स। आई इज इक्वल टू सिक्स वन डी एक्स, एक्स हो जाएगा माइनस का सेवनटीन बाहर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पावर वन है तो वन प्लस वन टू, तो सेवनटीन एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फोर, ऐसे ही ये भी हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस ट्वेल्व, और ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। ये हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सब पे अलग अलग हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, तो m बाहर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन m बाहर तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन m की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर m dx और प्लस इंटीग्रेशन m बाहर तो इंटीग्रेशन x dx। I इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स
डीएक्स होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एम, और ये बनेगा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, ये यहाँ पे अप्लाई होगा ए की पावर एक्स, तो ये ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, तो यहाँ पे हो जाएगा एम की पावर एक्स अपॉन लॉग एम प्लस, यहाँ पे बन रहा है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, और इसमें एम है तो एम प्लस वन अपॉन एम प्लस एम प्लस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन प्लस एम, और एक्स की पावर वन है तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ये हुआ हमारे फाइव क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, पहले फॉर्मूले को ओपन करेंगे फिर उस पर अलग अलग इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे फॉर्मूले, तो आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ए का स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए बी, तो टू इंटू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिलेट हो जाएगा और ये रूट एक्स से रूट एक्स ये कैंसिलेट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस का टू इंटू डी एक्स आई इज इक्वल टू। अब तीनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स और माइनस टू बार तो इंटीग्रेशन वन डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो बनेगा ही आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू ऐसे ही प्लस ये बन रहा है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स और माइनस का ये टू ऐसे ही नोट कर लेंगे और वन डी एक्स होता है एक्स प्लस सी। ये हुआ सिक्स क्वेश्चन का आंसर।